अगर आप भी अपनी जिंदगी को आसान बनाना चाहते हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ब्रिज कन्या को। 7 जन्मों की गरीबी के बावजूद होली की रात करोड़पति बनने से कोई नहीं रोक सकता, बस होली की राख से कर ले ये एक काम। साथ ही हम जानेंगे कि होली की अग्नि में क्या आपको डालना चाहिए जिससे आपको शुभ फल की प्राप्ति हो और देवताओं का आशीर्वाद सदैव आप पर बना रहे, और क्या गलती आपको होली पर नहीं करनी चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। सबसे पहले तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं होली की। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखें हर हर महादेव, जय होली माता, जय श्री कृष्णा। सनातन परंपरा में होली का त्योहार बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक माना गया है। होली का महापर्व खुशियों और रंगों से भी जुड़ा है। होली की रात को दैव्य शक्तियों की रात माना जाता है। इस दिन नकारात्मकता का नाश होता है और दैव्य शक्तियों का उद्गम होता है। इसे दरिद्रता का नाश करने का, जीवन में चल रही परेशानियों को मिटाने का, दुख तकलीफ सारे कष्टों से छुटकारा पाने का सबसे अच्छा दिन माना जाता है। इस दिन नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा दोनों ही बहुत ज्यादा सक्रिय रहते हैं, इसीलिए सदियों से इस दिन लोग कुछ उपाय करते आए हैं अपनी परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए। होली के दिन जो उपाय किए जाते हैं वो बहुत ही उत्कृष्ट किस्म के होते हैं, जो कि 100% सिद्ध हो ही जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे होली पर आपको होली की अग्नि में ये एक चीज डालनी है ताकि साल भर घर में जमकर पैसों की बरसात हो और देवताओं का आशीर्वाद आप पर बना रहे, और साथ ही कुछ ऐसे प्रभावशाली उपाय जिनसे आप आने वाले नए हिंदू वर्ष में खुशियां ही खुशियां पा सके, अपना दुख कष्ट मिटा सके। तो आइए जानते हैं, लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें। तो आइए जानते हैं उन उपाय के बारे में, और इसके बाद हम जानेंगे कि होली के दिन क्या गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए और वो क्या एक चीज है जो घर में जरूर लानी चाहिए। दोस्तों ये उपाय बहुत ही आसान और सरल है। इसमें लगने वाली चीजों को होली के दिन बिल्कुल भी ना लाएं। घर में अगर आपको पहले से ही ये सामग्री मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, वरना होली के पहले ही आपको उपाय में इस्तेमाल होने वाली सारी चीजें बाहर से खरीद कर लानी है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार होली के दिन किए गए उपाय बहुत जल्दी शुभ फल प्रदान करते हैं। होली की रात को एक काले वस्त्र में 7 लौंग, थोड़े काले तिल, 3 सुपारियां, 50 ग्राम सरसों और थोड़ी सी मिट्टी लेकर उसकी एक पोटली बना ले। इसे खुद पर से 7 बार वार ले और होली का दहन में डाले। दरिद्रता को दूर करने के लिए ये बहुत ही कारगर उपाय माना जाता है। जब भी अग्नि में कुछ भी अर्पित करें तो आपको नंगे पांव होना चाहिए, यानी पैरों में आपके चप्पल नहीं होनी चाहिए। होली का दहन के बाद जो राख बचती है उसे बहुत ही पवित्र माना जाता है। ये राख बहुत ही चमत्कारी और अद्भुत होती है, इसे आप जरूर घर ले आइए। इस राख में थोड़ी सी पीली राई और नमक मिलाकर किसी भी कांच के बर्तन में संभाल कर रखें। इससे आपके घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर चली जाएगी। ये मिश्रण आपके घर परिवार को तंत्र मंत्र बुरी नजर से बचाता है। होलिका की थोड़ी सी राख से माथे पर त्रिपुंड बनाएं, मतलब माथे पर बाईं से दाईं तरफ ओम त्रिलोकी नाथाय नमः कहते हुए भस्म की 3 रेखाएं बनाएं। माना जाता है त्रिपुंड की 3 रेखाओं में से हर एक में 9 देवता निवास करते हैं। इससे 27 देवी देवता संतुष्ट हो जाते हैं। त्रिपुंड के स्वामी हैं भगवान शिव। त्रिपुंड लगाने से स्वास्थ्य संबंधित परेशानियां सताती नहीं है, दुख कष्ट दूर हो जाते हैं, भय का नाश होता है। तो होलिका की राख घर ला करके सभी सदस्यों को उसका तिलक जरूर लगाएं और ये एक सुरक्षा कवच के रूप में आपकी सुरक्षा करेगा। दोस्तों कभी कभी अच्छे कर्म करने के बाद भी हमें सफलता नहीं मिलती, छोटी छोटी अड़चने हरदम सताती रहती है, विघ्न बाधाएं कार्य पूरे नहीं होने देती। हम असमंजस में पड़ जाते हैं कि अब करें तो क्या करें। तब आवश्यकता होती है आपके ग्रह दोष को दूर करने की। ऐसे में होलिका दहन के समय ये एक छोटा सा उपाय जरूर करें। घी में भिगोई हुई 2 लौंग और 1 बताशा एक पान के पत्ते पर रखें। जब होलिका दहन हो रहा हो उस समय होलिका की अग्नि की 7 परिक्रमा करें। परिक्रमा करते समय अपने इष्ट देवता के नाम का उच्चारण करें और उस पान के पत्ते को अग्नि में डाल दें। अगले दिन जब आप उसमें थोड़ी सी राख लेकर के आएंगे उसे जल की धारा में प्रवाहित कर दें। इससे जन्म कुंडली में दोषों का प्रभाव कम होता चला जाएगा, सकारात्मक जीवन का अनुभव करेंगे। दोस्तों स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी होली महत्वपूर्ण मानी जाती है। आप स्वास्थ्य विषयक समस्याओं से पीड़ित है तो होली के दिन इस उपाय को जरूर आजमाइए। थोड़े सरसों के दाने लेकर उन्हें हल्का सा दरदरा पीस लें, उसमें थोड़ी सी हल्दी, थोड़ी सी दही, थोड़ा सा शहद मिलाकर उसका उपटन बना लें। अब इसे अपने पूरे शरीर पर मलें,
फिर शरीर से जितना हो सके उतना उबटन निकालकर उसे होली की अग्नि में डाल दें और होली मैया से प्रार्थना करें कि आपके सभी दुख कष्टों को वो अपने साथ ले जाए। इस मैल के साथ आपकी स्वास्थ्य संबंधित सारी परेशानियां तो जलकर खाक हो ही जाएगी, साथ ही आपकी सभी परेशानियां आपके जीवन से धीरे धीरे कम होने लगेगी। फिर चाहे कोई भी परेशानी संतान को लेकर हो या आर्थिक समस्या हो, होली माता आपकी जरूर सुनेगी। बस ध्यान रखें कि जब आप उबटन होली में डालेंगे तो उस समय आपको हाथ जोड़कर जरूर बोलना है, होली माता मेरे सभी कष्ट और दुख अपने साथ ले जाइए। आप स्वस्थ निरोगी जीवन का अनुभव करेंगे। दोस्तों कहते हैं कि जिस व्यक्ति की कुंडली में गुरु ग्रह की स्थिति कमजोर होती है या चंद्रमा की दशा कमजोर होती है उसकी सेहत खराब होने लगती है। हल्दी का संबंध भगवान विष्णु और गुरु ग्रह से माना जाता है। दही शुक्र से संबंधित है तो सरसों और शहद शनि और चंद्रमा से। इसीलिए इस उपाय से स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं खत्म हो जाती है। अब स्वास्थ्य के अलावा सबके जीवन में सताने वाली एक समस्या अक्सर होती है, वो है धन की समस्या। आज की जीवन शैली में आय और व्यय में विषमता होना आम बात हो गई है और ऐसे में हर कोई धन की देवी माँ लक्ष्मी की कृपा दृष्टि पाना चाहता है, तो ये एक छोटा सा उपाय करके आप पैसों की किल्लत को दूर कर सकते हैं। होलिका दहन के दिन आपको होली की राख को घर ले आना है। एक स्वच्छ लोटे में गंगा जल मिश्रित जल लेकर उसमें एक चुटकी राख मिला लें, फिर इसका मुख्य द्वार से लेकर पूरे घर में हल्का सा आप छिड़काव करते चलें। इससे बुरी नजर का दोष खत्म हो जाता है, नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव दूर हो जाता है, वास्तु दोषों के प्रभाव में कमी आ जाती है, साथ ही घर की आर्थिक परेशानियां दूर हो जाती है, घर में लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। दोस्तों कई बार पर्याप्त धन कमाने के बाद भी हम परेशान रहते हैं, या तो धन टिकता नहीं है या कई बार कहीं फंस जाता है। हम सच्चे मन से किसी की मदद करने जाते हैं और खुद मुश्किल में फंस जाते हैं, पैसे वसूलने के लिए कई चक्कर काटते हैं। लोग आपके सौम्य स्वभाव का फायदा उठाते हैं। ऐसे फंसे हुए या अटके हुए धन को वापस पाने का एक उपाय आप होली के दिन कर सकते हैं। होलिका दहन से पहले होली वाले स्थान पर जाएं। उस स्थान पर एक अनार की लकड़ी से उस व्यक्ति का नाम लिखें जिसके पास आपका धन फंसा हुआ है। फिर होलिका माता से धन वापस मिलने हेतु प्रार्थना करें। उसके बाद उसके नाम के ऊपर हरा और संतरी गुलाल छिड़क दें। इससे फंसा हुआ धन जरूर वापस मिल जाता है। धन का आगमन निरंतर बना रहने के लिए, व्यापार व्यवसाय सुगम तरीके से चलाने के लिए ये उपाय जरूर करें। जब आप होलिका की राख लाएं तो इसे किसी भी शीशी में संभाल कर रख लें। अब इस शीशी को एक लाल वस्त्र में रखें और पोटली बना लें। अब इसे अपने घर की तिजोरी में रखें। आप व्यापारी है तो इसे गल्ले में रख सकते हैं। इससे धन वृद्धि होगी, बुरी नजर का असर नहीं होगा, धन आगमन में बाधा नहीं आएगी, आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, जीवन की मुश्किलें कम होंगी। हर साल होली पर इस पोटली को बदलते रहें, यह आजीवन आपको सुख समृद्धि देती रहेगी। होलिका दहन की राख से और एक उपाय आप कर सकते हैं। आपके घर में नकारात्मकता का वास कभी भी नहीं होगा। किसी के किए कराए का असर अगर आपके ऊपर है तो वो नष्ट हो जाएगा। होलिका की राख में काली सरसों मिला लें और घर के चारों ओर घर के बाहर की तरफ से छिड़क दें। ये भी आपके घर परिवार के लिए सुरक्षा कवच की तरह काम करेगा, बुरी शक्तियों से आपके घर को सुरक्षित रखेगा। तो पूरे विश्वास और श्रद्धा के साथ इस होली पर ये उपाय जरूर करें। होली के दिन किए गए उपाय बहुत जल्दी शुभ फल प्रदान करते हैं। दोस्तों इस दिन आपको अपने घर में मिट्टी का एक घड़ा जरूर लाना चाहिए। होली से ही मौसम बदलने लगता है। अगर आप अपने घर में मिट्टी का घड़ा लाने की सोच रहे हैं गर्मियों के लिए, तो होली से अच्छा अवसर और कोई भी नहीं है। इस दिन आप चाहे तो मिट्टी की मूर्ति भी घर में लेकर आ सकते हैं या मिट्टी के दिए घर में लाना भी शुभ है। ध्यान रखें कि इस दिन कोई भी ऐसे पुराने कपड़े जो फट चुके हैं आपको दान में किसी को नहीं देने चाहिए। अगर आप फटे हुए कपड़े किसी को भी दान में देते हैं तो बीमारी अपना स्थान आपके घर में बना लेती है। होली से पहले जो बड़कुल्ले आप बनाएंगे यानी गोबर के जो कंडे आप बनाते हैं, उसमें से एक माला पितरों की और एक माला हनुमान जी की और एक माला घर की सुख समृद्धि के लिए भी तैयार जरूर करें। इन तीनों माला में 7 बड़कुल्ले होने चाहिए। बाकी जो भी आपके घर में रिवाज है उस हिसाब से बाकी बड़कुल्लों की संख्या बनाइए, लेकिन ये 3 माला जरूर बनाइए। और जो तीसरी माला है बड़कुल्लों की घर के लिए आपने तैयार की है, उसे आप हल्दी कुमकुम लगाकर अपने घर की छत पर होली वाले दिन रख दीजिए। दोस्तों होली के दिन किसी को भी आपको अपना चकला, बेलन, तवा और घर का झाड़ू नहीं देना चाहिए। इसका कारण दोस्तों ये है कि होली पर बहुत ही तरह के टोने टोटके किए जाते हैं। ऐसे में अगर आप अपने घर का चकला, बेलन, तवा या झाड़ू किसी को भी देते हैं तो बहुत ही जल्द नकारात्मक प्रभाव आपके ऊपर पड़ सकता है। ये गलती इसलिए आप बिल्कुल भी ना करें। इसके साथ साथ आपके घर की लक्ष्मी भी हमेशा के लिए चली जाएगी। दोस्तों अगर आप किसी को भी होली पर गणेश जी की मूर्ति तोहफे में देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन इस बात का खास ध्यान रखें कि लक्ष्मी गणेश जी की ऐसी मूर्ति जिसमें लक्ष्मी और गणेश जी एक साथ हो आपको कभी भी किसी को तोहफे में नहीं देनी चाहिए। और होली पर
पर तो ये गलती बिल्कुल भी ना करें। दोस्तों, जब भी होली की अग्नि में आप कुछ भी अर्पित करते हैं या होलिका माँ की पूजा करते हैं या होलिका की परिक्रमा करते हैं, उस समय आपके पैरों में जूते चप्पल नहीं होने चाहिए। ऐसा माना जाता है कि होली के दिन लोग पुरानी दुश्मनी को भूलकर गले मिलते हैं, तो बहुत अच्छा मौका है आपके पास। अगर किसी से अनबन है और आप चाहते हैं कि बातचीत हो जाए और आपको झुकना भी ना पड़े, तो होली का त्योहार सबसे बढ़िया है फिर से मित्र बन जाने के लिए। दोस्तों, होली का त्योहार होलिका की मौत की कहानी से जुड़ा है, इसीलिए बुराई के अंत के प्रतीक के तौर पर होली जलाई जाती है। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन काल में हिरण्यकश्यप नाम का एक बलशाली राक्षस हुआ करता था, जिसे ब्रह्मदेव से ये वरदान मिला था कि उसे कोई संतान या कोई जानवर मार नहीं सकता, ना किसी अस्त्र या शस्त्र से, ना घर के बाहर, ना अंदर, ना दिन में, ना रात में, ना धरती पर, ना आकाश में। राक्षस के पास ऐसी असीम शक्ति होने की वजह से वो घमंडी हो गया था और खुद को ही भगवान समझने लगा। वो लोगों पर अत्याचार करता था और सभी को भगवान विष्णु की पूजा करने से मना करता था, उन्हें अपनी पूजा करने का निर्देश देता था। उसे अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेना था, जिसे भगवान विष्णु ने मारा था। हिरण्यकश्यप का प्रहलाद नामक पुत्र था। एक असुर का पुत्र होने के बावजूद वो अपने पिता की बात ना सुनकर भगवान विष्णु की उपासना करता था। हिरण्यकश्यप को ये बात मंजूर नहीं थी। उसने काफी प्रयास किया कि उसका पुत्र विष्णु जी की भक्ति छोड़ दे, मगर वो हर बार अपने प्रयास में असफल होता रहा। इसी क्रोध में उसने अपने पुत्र का वध करने का निर्णय लिया। अपने इस षड्यंत्र में उसने अपनी बहन होलिका से सहायता मांगी। होलिका को भी भगवान शिव से वरदान स्वरूप एक वस्त्र मिला था। जब तक होलिका के शरीर पर वो वस्त्र होगा, तब तक होलिका को कोई भी जला नहीं सकता। हिरण्यकश्यप ने होलिका को आदेश दिया कि वो प्रहलाद को अपनी गोद में लेकर आग में बैठ जाए। उसने सोचा था कि आग में होलिका जल नहीं सकती, क्योंकि उसे वरदान मिला था, लेकिन उसका पुत्र इस आग में जलकर भस्म हो जाएगा और अंजाम देखकर सबको सबक मिल जाएगा। जब होलिका प्रहलाद को लेकर आग में बैठी, तब प्रहलाद विष्णु जी का जप कर रहे थे। भक्त की रक्षा करने भगवान विष्णु दौड़े चले आए। उन्होंने ऐसा तूफान लाया जिससे होलिका के शरीर से लिपटा वस्त्र उड़ गया और आग से न जलने का वरदान पाने वाली होलिका जलकर भस्म हो गई। भक्त प्रहलाद को अग्निदेव ने छुआ तक नहीं। तब से लेकर अब तक हिंदू धर्म के लोग इस दिन को बुराई पर अच्छाई की जीत के रूप में देखते हैं और इस दिन को उत्सव के रूप में मनाते हैं, और होलिका दहन हर साल किया जाता है। और अगले दिन जब लोगों को ये बात मालूम पड़ी, तो भक्त प्रहलाद की भक्ति का जश्न लोगों ने होली खेल कर व्यक्त किया, जिसे बाद में भगवान विष्णु के अवतार भगवान श्री कृष्ण ने जीवंत कर दिया। मान्यता अनुसार भगवान श्री कृष्ण रंगों से होली मनाते थे, इसीलिए होली का त्योहार रंगों के रूप में लोकप्रिय हुआ। वो वृंदावन और गोकुल में अपने साथियों के साथ होली मनाते थे। आज भी वृंदावन जैसी मस्ती भरी होली कहीं और नहीं मनाई जाती। होली के त्योहार से रंग जुड़ने से पहले लोग एक दूसरे पर धूल कीचड़ चिकनी मिट्टी चुपटते थे। दहन की तैयारियां होला अष्टक के साथ शुरू की जाती है। दोस्तों, होला अष्टक में होलिका दहन वाले स्थान की गोबर गंगा जल आदि से लिपाई की जाती है। वहां डंडा रोपा जाता है, जिसे प्रहलाद का रूप माना जाता है। लकड़ियां उपले जैसे जलने वाली चीजें इकट्ठा की जाती है। बड़कुल्ले यानी विविध आकार से बने गोबर के कंडे शुभ समय में 15 दिन पहले ही बनना शुरू कर दिए जाते हैं। नारियल, चूकी, पाटा, चकला, बेलन आदि विविध आकार में 7 की संख्या में इसे बनाया जाता है। उनके बीच में एक छेद रखा जाता है रस्सी पिरोने के लिए। ये बड़कुल्ले होली के एक दिन पहले तक बना लिए जाते हैं। गोबर से बनाए गए इन कंडों को अब माला में पिरो लिया जाता है। एक पितरों की माला होती है और दूसरी हनुमान जी की होती है। ये दोनों मालाएं साथ साथ गोबर के कंडों की होनी चाहिए, और तीसरी माला शीतला माता की होती है। ये भी आप 5 या 7 गोबर के कंडों की बना सकते हैं। चौथी माला को घर परिवार की समृद्धि के लिए रखा जाता है। ये भी 7 कंडों की होगी। इसे घर के मुख्य द्वार पर या फिर छत पर डाला जाता है, और एक माला होगी ठंडी होली पूजने की। जिन लोगों के घर में ठंडी होली पूजते हैं, उन्हें ये माला जरूर बनानी चाहिए। बाकी अलग अलग प्रांत में जो रिवाज है, उस हिसाब से माला आप तैयार कर लीजिए। होली का दहन के लिए जाते समय ईख या कोई डंडा ले लें, उस पर चने की और जौ की झाड़ियां लगा दें, फिर उनके चारों तरफ बड़कुल्ले की माला लगा दीजिए। घर के सभी सदस्य उस ईख को तिलक लगाइए, अक्षत अर्पण करें, उसकी पंचोपचार पूजन करें। जिनके यहाँ ठंडी होली पूजने की परंपरा है, दहन के पहले उस घर की स्त्रियाँ शुभ समय में पूजा की थाली सजा लें। ठंडी होली वाले कंडे की माला, जल से भरा लोटा और घर पर बने पकवान होली की जगह पर ले जाइए। पूजा की थाली में हल्दी की 7 गांठे और कच्चा सूत ले लें, और अक्षत, कुमकुम, जौ की बालियां या चने की जड़ी, जल भरा लोटा, कलावा, नैवेद्य फूल और ठंडा दीपक लेकर के जाइए।
ये दीपक मिट्टी से या फिर आटे को घी में भिगोकर बनाइए, उसमें रुई की बाती लगाइए और ठंडी होली पूजन के लिए जाइए। ये स्थान वही होना चाहिए जहाँ डंडा रोपा गया हो, जहाँ होली का दहन किया जाना हो, वहाँ स्त्रियाँ पहले डंडे की यानी प्रहलाद की और होलिका की पंचोपचार पूजा करें। एक गोबर के कंडे की माला जो ठंडी होली के निमित्त बनाई जाती है उसे चढ़ाइए, सूत लेकर उस होली में अटका दीजिए और फिर होलिका में सूत लपेटते हुए सात परिक्रमा करें। इसके बाद थोड़ा सा ठंडा जल अर्पित करें, फिर दीपक जलाकर वापस चले आइए। दीपक जलाने के बाद मुड़कर ना देखें। रात में होलिका दहन के शुभ मुहूर्त पर परिवार सहित जाइए। कई जगहों पर रिवाज है कि महिलाएं होलिका दहन में नहीं जाती है, ऐसे में वो घर से ही या दूर से नमस्कार करके मानस पूजा कर सकती हैं। घर के पुरुष सदस्य ईख और एक बड़कुल्ले की माला साथ लेकर जाइए। सारी मालाएं लेके नहीं जानी है, पितरों की, शीतला माता की, घर की और हनुमान जी की माला घर पर ही रहने दें। डंडा या ईख जिसके ऊपर चने की झाड़ियां आदि बांध कर लेके गए हों, उस चने को वहीं भून लेना है। होलिका दहन के समय अधपके अन्न के रूप में गेहूं की बालियां को पकाकर उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। ये वैदिक काल का एक विधान था जिसमें यज्ञ में आधे पके हुए अन्न को हवन की अग्नि में पकाकर प्रसाद के रूप में लिया जाता है। इसी विधान को आज भी होलिका दहन में निभाया जाता है। फिर सारे गोबर के कंडे की मालाएं होलिका में अर्पित करनी है, फिर ईश्वर का नाम स्मरण करते हुए होलिका अग्नि के साथ परिक्रमा करनी है और फिर थोड़ा सा वहाँ जल डाल दें। होलिका दहन के बाद होलिका की आग की राख को माथे पर विभूति के तौर पर लगाया जाता है। जहाँ पर घर में अग्नि लेकर के आने की परंपरा है, वहाँ बाल्टी या झाड़ियाँ साथ ले आइए और अपनी उस बाल्टी में होलिका की थोड़ी सी अग्नि को लेकर घर चले आइए। फिर सभी परिवारजन प्रथा अनुसार उस अग्नि में पापड़ सेक कर खाइए, इससे नकारात्मक ऊर्जा दूर हो जाती है। जब तक होली की पूजा चलती रहे, होली के गीत गाएं, होली की कथा सुनिए। इसके साथ ही ठंडी होली की पूजा थाली में हल्दी की गांठें, जो की बालियां और जो कच्चा सूत रखा था उन्हें जलती हुई होली की झलक दिखाइए। माना जाता है कि होली का अग्नि के ताप से ये चीजें दिव्य हो जाती है। फिर उसी पवित्र सूत से धन का डोरा निकाला जाता है। इसके बाद फिर एक लोटे जल से अर्ध दें, फिर घर पहुंचकर बड़े बुजुर्गों के चरण स्पर्श करें और पूरा परिवार साथ में भोजन करें। इस दिन तरह तरह के व्यंजन बनाए जाते हैं, जैसे कि गुजिया, मिठाई, मट्ठी, मालपुआ आदि। उसी का आप होलिका में भोग लगाइए। उस पकवान का पहले पूजा घर में भगवान को भोग लगाइए। पितरों के निमित्त भोग निकाल कर रखें, जो आप पक्षियों को या गाय को खिला सकते हैं। होली में भोग चढ़ाने के बाद आप भोजन कर सकते हैं, उपवास रखा है तो उसे खोल सकते हैं। दोस्तों, होली का त्योहार हमें जीवन में सबके साथ मिलजुल कर रहने की प्रेरणा देता है, तो विविध रूप से इस पर्व को मनाइए। दूसरे दिन एक दूसरे को रंग लगाकर गले मिलकर भाईचारा, आपसी प्रेम और सद्भावना को बढ़ाइए। आज के लिए बस इतना ही, जल्द मुलाकात होगी अगले वीडियो में। आप सभी को होली की ढेरों शुभकामनाएं। राधे कृष्ण।